वो कहता कि हटा दो और अगर उसकी हटा चल दो उसकी चल रही होती तो गया होता दोपेंड फॉर कबूल आई वॉज गर्ल फॉर फोर इस कंग्रेचुलेन्स ऑन महारानी थैंक यू थैंक यू भाई रील पे reels थैंक यू My एक्स I'm sorry. <laughs> <laughs> ओके okay, uh, देखिए यार मालूम है क्या बा, बाकी काफी सारे पॉडकास्ट हैं और टॉक्स हैं तुम लोग यूट्यूब पे तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा कि ये क्या वो क्या आई वॉन्ट टू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट बिफोर म्यूजिक सो नहीं पता बहुत लोगों को आई एम लॉयर आई doing पोएट्री छोटा okay. मोटा स्कूल में करता था उसके hmm. बाद लॉ करते हुए मैंने कॉलेज में थिएटर करा आई हैव डन स्ट्रीट थिएटर कॉलेज में नुक्कड़ किया काफ़ी ज़्यादा लेड द टीम फॉर टू थ्री ईयर्स फिर वो करते करते उनके साथ म्यूज़िक बनाते बनाते आई मेट उद्भव उद्भव मेरे स्कूल में जूनियर है तो वो करते करते सेकंड थर्ड ईयर में so, उद्भव शास्त्री जी yes, एक नन्खु, ही बंदा है जो, था, <laughs> yes. जो तेरा जूनियर था yes, okay. so हम दोनों सेम स्कूल 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 से हैं hmm. तो okay. so, बस, yes, yes. <laughs> तो आई मेट इन बाल बाल भारती भारती आउट मतलब हाँ हम वहीं मिले फिर सेकंड थर्ड ईयर तक एंड बिफोर प्रैक्टिस ये तेरे को कब रियलाइज हुआ कि यार मुझे करना है कोई वो मोमेंट याद है कि आई आई डू म्यूजिक लाइक एम डूइंग इन नुक्कड़ लेकिन नहीं यार ये ना अब मुझे पुश करना है वो मोमेंट कब था थोड़ी सी अजीब बात है बट मैं एक बार ऐसी इंटर्नशिप चल रही थी तीस हज़ार ही में था मैं तो अच्छा? मैं कोई मेरे को एक सर ने फाइल पकड़ा दी लेके जानी है इधर उधर अब मैं सुबह से लगा हुआ गर्मी में इतनी गर्मी में कोट पहन के आप <laughs> तीस पैंतालीस डिग्री चालीस डिग्री की धूप में आप लगे हुए हो तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मैं इसके लिए तो नहीं बना ये तो मतलब मैं जब पैदा हुआ था मैं ये तो नहीं सोचता था बड़े होकर कि मैं ये करूँगा मतलब यही है क्या बस दिस इज़ इट सो आई रियलाइज दिस इज नॉट वट आई मेड फॉर एंड देन आई वॉज मेकिंग सॉन्ग्स बाई साइड बाई साइड सो आई रियलाइज कि आई थिंक दिस इज़ वट आई वॉन्ट डू एंड इट गिवस मी पीस वेन एवर आई वॉज नॉट ओके आई लाइक वेंट देर और मेरा आउटलेट था तो आउटलेट धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लग गया और धीरे धीरे वो फेम मिल गया तो मुझे चाहिए नहीं था कभी भी आई नेवर नेवर नॉन्टेड टू बी आई एम राइट नाउ बट आई लाइक इट बिकॉज नाउ आई कैन डू वट आई रियली टू डू आई रियली लाइक एंड आई कैन गेट पेड फॉर दैट और उससे अच्छा क्या हो सकता और आप, आप है।, तो है और मेरे माँ बाप अब प्राउड भी हैं अब ठीक है और डिग्री भी कर ली तो अब तो कुछ मतलब कोई वो भी नहीं ना लूज एंड भी नहीं बचे hmm. तो यस दैट गेव मी दैट पुश मुझे ये लगता है कि ना जब भी कोई आर्टिस्ट और ये बहुत एक पर्सनल मोमेंट होता है जब वो सोचता है यार यू you नो know hmm. की तैसी की इस कोर्ट की मतलब <laughs> मुझे तो आर्ट करना है ठीक hmm. है ना उसमें कुछ सेक्रीफाइस होते हैं yes, और अगर यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट इफ जो चेंज होता है ना उसमें सेक्रीफाइस होता है इंडिविजुअल yes,

everybody around you understands that hmm. ki what you're doing is genuinely for the benefit of everyone around you and you're not being selfish here hmm. i was never being selfish i've never been selfish when i have made music i have done good for everyone around me even my family and even the new artists around me i've done good for everyone around me but hmm. yeah <clears throat> i have sacrificed a lot but then comes the part where i don't see all of that and i see the brighter picture and i move on in my life कहा पर हो? अभी तीन चार साल मुझे वो करना है जो मैंने सोचा था जो मुझे ऑडियंस चाहिए थी जो हुँ. मैं और उद्भव बात करते थे दो तीन साल चार साल पहले ना दैट वी आर गेटिंग ऑडियंस धीरे धीरे So, I want to want people to listen to that music which I used to listen when I was a child. You were talking about nineties. Hmm. I love nineties. I love eighties was okay. Seventies, hmm. I love. Seventies, 70s. 70s, amazing. Sixties, seventies, beautiful. favorite. Hmm. SD and RD are my favorite. Hmm. Always. Hmm. And all that time, I want to cherish that time, and I want people to listen to it in my form, in what I want to want them to hear. Because what I write as.

but some things happened in my life and i had to make that project so i skipped kabul uh, and now kabul. i'm making that so it's like different versions of me different phases and different phases of what i went through and what i have been going through so i am there in my life where i want to really tell people what happened other than the love part what really changed hmm. and

आई लव द कोरस डूड मैं तेरा सच अ इट्स वेरी वियर्ड इमोशन मालूम है क्योंकि देखो अपन तो अस्सी नब्बे वाले हैं ठीक है ना आज की करी एक साइड लेकिन आप जो भी करते हो ना आपको लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ अगर मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ ठीक है ना तो मैं तो सही कर रहा हूँ पर यह बात बोलना कि मैं गुनहगार हूँ और ये गिल्ट या फिर एक एक्सेप्टेंस लाना एज एन आशिक आई थिंक इट्स अ वेरी हिडन इमोशन जो कि काफी कम लोग पकड़ पाते हैं सो ऑन दैट नोट आई वॉन्ट कम टू महारानी से पहले ना काफी लोगों ने महारानी सुना है इंस्टाग्राम पे फट रहा है जो भी है मुझे लगता है कुबूल है यार एंड दिस माई पर्सनल रैंट लोग ना एल्बम सुनना भूल गए exactly. exactly. so, है ना सिर्फ ना एग्जैक्टली सो कबूल है एज एन एल्बम सुना मैंने सो लेट्स टॉक अबाउट कबूल है देन विल कम टू महारानी फर्स्ट वेन आई हर्ट द एंटायर एल्बम ए इट्स डार्क ठीक है ना पर उसकी ब्यूटी मालूम मुझे कहां लगती है ना आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज तू क्रिएटर है uh -huh. मैं सुनने वाला हूँ सो uh -huh. so, जैसे ग्रेडियंट होता है ना जो ब्लैक से वाइट की तरफ जाता है सो इफ यू लिसन टू कबूल है इन वन सेटिंग ना द एल्बम स्टार्ट वेरी डार्क बट इट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स मोर मेलेडीज यानी यहाँ पे ना पहले के चार पांच गानों में आपको ना आउट ऑफ पिच चीजें भी मिलेंगी जो कि टेंशन क्रिएट करती हैं या फिर yes. डार्क बन जाती है बट वेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन 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 और जो लास्ट गाना है जो तेरा चार दीवारी के साथ है वहाँ तक ना द मूड स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म सो वॉज इट डेलीबरेट नो इट वॉज नॉट इट वॉज नॉट नो I don't make projects like that. No. That's interesting. I don't always. I never know. Chautha gana kaun sa hai ya chaudhwa kaun sa hai. I don't know that. Has anybody told you this though that, that there is a transformation I happening? I know there is. I know when we when I made the album, hmm. to arrange ho gaya, sab kuch ho gaya. Hmm. तो दो बार से ऐसा होता है कि मैं और उद्धव बैठते हैं और हम वो दस बारह गाने एक साथ सुनते हैं और हमें पता है किसके बाद कौन सा आएगा hmm. It's like you know ये गाना खत्म हुआ तो फील के बाद कौन सा गाना आना चाहिए एंड hmm. बेसिकली देखो अगर आप सच्चे दिल से म्यूजिक बनाओगे ना कंपोज भी सच्चे दिल से कर रहे हो लिख भी सच्चे दिल से रहे हो प्रोड्यूस भी सच्चे दिल से हुआ है इंटेंट भी पूरा है hmm. तो आपको पता है कि वो बारह गानों की स्टोरी क्या है आपके दिमाग में आपको वो कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज करनी है hmm. तो वो जो अलग अलग कर्ण अलग, अलग अलग गानों के अंदर है ना hmm. वो सब इन दी एंड बनी जाएगा क्वेश्चन

फैमिली चार hmm. so hmm. we साल किसी के साथ रहोगे तो यार आप 20, 20 साल के आगे जीवन में नॉर्मल hmm. इंसान यही सोचता है आर्टिस्ट तो नहीं था मैं तब तो मुझे hmm. नहीं पता था क्या हो रहा है hmm. जब तक ये सब कुछ हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि तो नहीं हो पाएगा एंड खत्म हो गया सब और मैं इतना खत्म हो गया था कि अगर मैं गाने ना बनाता तो मैं शायद ठीक नहीं हो पाता आई वॉज गॉन आई वज नॉट ओके एंड आई हैव बिन थ्रू ऑल शर्ट बिफोर इन माई लाइफ इज वेल एंड I'm a very what do you say बहुत ही इंसान हूँ मैं इमोशनल हाँ प्यार के मामले में मैं बहुत इमोशनल हूँ तो हुआ लग गई मुझे बहुत जोर से लग गई तो मैंने वो एल्बम बना दी और मैंने एल्बम भी सीडीज पिछले निकाली थी क्योंकि मुझे लोगों को चाहिए नहीं था कि लोग सुने तो हज़ार रुपये की सी डी एक ऐसे आर्टिस्ट के जिसके हज़ार फॉलोअर्स हैं hmm. उसकी हज़ार रुपये की सी डी जिसमें hmm. बारह वो गाने हैं जो आपको पता भी नहीं है कौन से हैं लोग खरीद रहे हैं

ई हार्ट एन टू दिस ब्रोकन वन मतलब <laughs> हाँ वो मैंने पूरा उसका पूरा वो पैकेज है पूरा जिसमें सी डी बुकलेट लिरिक बुकलेट एंड एवरी थिंग इज देयर सो आई वॉन्टेड आई हेड इन मी कि मुझे लोगों को वो उस तरीके से सुनानी है अगर सुन नहीं हुई है तो आपको इज इट ट्रू वेन इम्तियाज़ अली मेड रॉक स्टार की आर्ट के लिए दर्द चाहिए अभी पता है मैंने थोड़े दिनों पहले रॉक स्टार वापस से देखी अच्छा और मुझे बात रियलाइज हुई कि बिल्कुल सच बात है ये जान के कर रहा था

<laughs> <laughs> बजे, पूरा दिन बचा है पूरे दिन अब मैं ना मालूम नहीं किस मूड में रहूंगा लेकिन इट फेल्ट लाइक अ लव लेटर टू डेवडी इज देर नो आई सो डेवडी लास्ट अच्छा या आई डेंट सी डेवडी महारानी में जब वो अर्पित बाला और वो दूसरा बंदा वो जब तो कर रहे हैं है तो डेव है। तो तो डी का जो बैंड है एंड यू नो ना मैंने बोला अगर करुण मिलेगा तो उससे पूछूंगा जरूर की तुम लोगों ने डेव डी से मारा तो अच्छा तुम लोगों ने क्रेडिट में खुद ही लिख दिया था कि दिट्स आर होम एज टू वेरी इंटरेस्टिंग महारानी का जो मेलेडी है वो कब है क्योंकि भाई देख हर कोई ना घूमते फिरते गा देता है लेट्स गेट बिट लाइट नाउ है ना आ ना जा लगा रहता कब no. कब आई है मेलेडी बी ऑनेस्ट ना डोंट डोंट गिव मी दैट फिलोसॉफिकल आंसर सच बताऊंगा मैं मेरे जहां मैं रहता हूं मेरे मम्मी पापा जहां रहते हैं हाँ. में हमारा घर है ha. तो वहां पे ऊपर छत में एक छोटा सा कमरा है मेरा जहां हम अगस्त में शिफ्ट हुए थे 2021 में ha. और मैंने उसके बाद ही एल्बम बनानी शुरू करी दिस वाज मेड इन 2 3 मंथ्स मुझे लैम्बो ने म्यूजिक भेजा था हमारा का इट वाज 3 और 4 मिनट्स लॉन्ग इट वाज नॉट 6 1/2 मिनट्स लॉन्ग इट समथिंग 4 मिनट्स एंड आई हर्ड इट एंड द फर्स्ट मेलोडी दैट केम

कहता ये ऑफ लग रहा है मैंने कहा नहीं लग रहा कहता भैया ऑफ है मैंने कहा नहीं है भाई ऑफ और वो और संगीत कीर वो दोनों मुझसे लड़ रहे हैं सब कह रहे हैं ऑफ है एंड यू आर अबाउट टू ड्रॉप द एल्बम इन सीडी प्रिंट होनी है कल सुबह हाँ, सुबह बारह घंटों में सीडी प्रिंट होनी है और मुझसे बाला लड़ रहा है कि ये नहीं डलेगा

हुक जो था वो दूर ना जाना था hmm. गाना हंजी हंजी से चला hmm. गाना जो है महारानी <laughs> महारानी जैसी तू वो पार्ट एक अलग है <coughs> और वो हुक नहीं है गाने का बट उसके ऊपर गाना है तो मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो कि हुक क्या है गाने का hmm. तो गाने का हाँ, उसमें तीन चार हुक है उस गाने के अंदर like, you know, केमेडीट कि like yes. <laughs> <laughs> करने जाओ ना तो कभी कभी आप पागल होके आ जाओगे बट द फैक्ट इज कि महारानी के चार पांच होके ब्रो लाइक like, कोई आना जाना गा रहा होता है कोई गा रहा होता है जो तेरा पार्ट है कोई हाँ जी हांजी दे दो माइक पे अप गा रहा होता है I किसी को गिटार ही याद है yes. तो दैट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी गिटार भी मैंने किसी से बजवाया था अलग से आई हैव फ्रेंड फैजान जिसने पूरा सोलो बजाया था फिर उस सोलो को अरेंज करा उद्धव ने hmm. बहुत बहुत बड़ी स्टोरी उद्धव इज द अरेंजर ऑफ दिस सॉन्ग यस आई सेड कुछ चीजें यहां पे 30 सेकंड का बाला का पार्टा रहता था बहका बहका सा था बहका सा के बाद आठ लाइनें और थी मैंने वो काट दी मुझे बस इतना ही चाहिए

हां इट्स 10 मिनट लॉन्ग सोलो व्हिच इज जस्ट कट इनटू डिफरेंट पीसेस एंड प्लेस्ड दैट्स उद्धवस इंटेलिजेंस आई गेस ही फील्स थिंग्स दैट प्रोबली आई डोंट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक गढ़वाल से ना दे वर लाइक मेजरली फ्लेक्सिंग ऑन इट कि भाई गाना तो ये है गढ़वाली सुन Instagram पे फट रहा व्हाट वाज द वाज देयर एन इंटेंट टू कीप इट डेलिब्रेटली गढ़वाली नो नॉट रियली बिकॉज़ जब ये गाना इतना हो गया जैसे मेरा पार्ट तक आया फिर अर्पित का पार्ट हुआ उसके बाद रेबो जो थर्ड पर्सन है उसको पता नहीं था अभी तक गाने में क्या है hmm. उसने म्यूजिक भी नहीं सुना हुआ था hmm. और आई वॉज ट्रेकिंग बोला दो तीन गाने मुझे इधर उधर जाके बनाने थे hmm. तो मैं देहरादून गया मैंने उसको बोला ये ले अब सुन और लिख दे अभी कहता अच्छा मैंने उसको उसी टाइम सुनाया उसी टाइम उससे लिखवाया और रिकॉर्ड होने ही लगा था कि अर, उद्भव के लैपटॉप पे कुछ लिक्विड गिर गया <laughs> उसी टाइम व्हाट लिक्विड वाज दैट

और उसके बाद बोलिया वे वगैरह वाला जो पार्ट है एंड में बैक एंड फोर्थ वो शायद उद्भव का आइडिया था जितना मुझे याद है जितना मुझे याद नहीं है क्योंकि इस बात को भी बहुत टाइम हो गया बट हाँ महारानी का जो म्यूजिक वीडियो है तुम लोगों ने शादी के हॉल में शूट करा है yes. राइट <laughs> उसमें ना आई मीन ऑल मीन टू योर डायरेक्टर बट मुझे ना ऐसा लग रहा था कि जब तू लठ मार रहा था ना तो तेरे को ना हंसी सी आ रही थी यार वो ना बहुत सारे टेक्स है सात आठ टेक में से उन्होंने निकाला है और पाँचवें टेक के बाद अर्जन वैली चला दिया था उन्होंने वहाँ पे सो हाँ। बैकग्राउंड so में अर्जुन वेली चला हाँ। और मैं मार रहा really? हूँ हाँ ये हो रहा था सेट पे हुआ हाँ ये सेट पे करा हमने पांचवे पांचवा टेक था मैंने बोला यार मेरे मम्मी पापा आ गए थे उस टाइम तक सेट पे देखने क्या चल आगे साढ़े ग्यारह हाँ। बज रहे होंगे रात के हाँ। और मैंने बोला अब ना अर्जेंट वैली चला दो यार बहुत हो गया अब बड़ी देर हो गई थी चार पांच शॉट हो गए मार रहा हूँ पहले शॉट में किसी के हाथ पे लग गई किसी ने अपना हाथ बचाया किसी के हाथ पे बजी किसी की उंगली पे लगी सब बार बार रोके जा रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो रहा है मैंने कहा मार खा लो

<laughs> <laughs> तो कुछ पागलपन आ, फील करने को मिल रहा है आ, फीमेल फैन से स्पेशली हाँ आ, मतलब मेरे को अब पता चलता है कि लड़कियों कैसा फील होता है जब उनको रैंडमली डीएम आ जाते हैं लड़कों के <laughs> अब मुझे पता है कि कैसा लगता है वो चीज जो ने तेरे को डीएम में बोली मेरे को न्यूज आया यार मैं क्या बोलूँ उसमें रिडिकुलस क्या है अब मैं आपको क्या बताऊँ हर तीन चार दिन में आ जाते हैं मैं क्या बोलूँ आपको सच बात है दूसरा रिडिकुलस और बताता हूँ आपको आपका रेड बटन नहीं है वो तो... नहीं नहीं चलने दे आप तो <laughs> है बोल 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 <laughs> बट हाँ आई मीन ये सब भी वो है दूसरा बहुत वेड़ है यार लड़कियाँ एक लड़की का टेक्स्ट आया हेलो करुण आर यू वन हु रोट महारानी तो मैंने नहीं रिप्लाई करा फिर अगला कैन यू डांस विद मी ऑन महारानी ऐसे मैसेज आते हैं यार मेरे को रैंडम रोज आते हैं मेरे को ऐसे टेक्स्ट आई गेट रैंडम टेक्स्ट फ्रॉम रैंडम पीपल ऑल द डे ऑल टाइम आर यू आर यू लाइकिंग इट आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट नो आई जस्ट लाफ ऑन इट मैं ना हमेशा ये मानता हूँ कि जो आप ये फेजेज में होता है और ये सबके साथ होता है इवन इफ यूर एन आर्टिस्ट और ए नॉर्मल पर्सन सुबह उठ के आप एक पर्टिकुलर गाना ना सुनते ही सुनते हो ठीक है yes. ना अ वो गाना हर चार पांच महीने में चेंज हो जाता है mm -hmm. ठीक है अभी जैसे मेरा चल रहा है मनी ट्रीज और ऑल राइट बाई कैंड्रिकमार ना वो मेरे भजन की तरह ना <laughs> भजन की तरह चल रहा है पांच महीने जबकि वो गाना इतने पुराने है yes. लेकिन मुझे बहुत पसंद है मुझे ब्यूटीफुल सॉन्ग राइटिंग कौन सा गाना है जो अभी इसी वक्त क्योंकि इट विल कीप ऑन चेंजिंग तीन चार महीने तक जो भजन की तरह चलेगा तेरा नहीं किसी और का एक दो कोई गाने तो नहीं है हुँ. बट एक ना स्पेनिश गाने कोई मैं नांडोस गया था थोड़े टाइम पहले तो मैंने नांडोज में ना पीछे म्यूजिक बड़ा अच्छा बजता है नांडोस में हाँ. तो वहाँ पे पता नहीं डेल तो रोजा का को कोई गाना है आई डोट रिमेम्बर स्पेनिश संगट इट इट्स जस्ट म्यूजिक सो आई बिन लिसनिंग टू इट चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ बस वो चल रहा है पीछे मतलब कार्निवल सा म्यूजिक चल रहा है प्यारा फील स्पेनिश म्यूजिक हाँ तो वो सुन रहा हूँ आजकल मैं

काफी लोग हैं हुट देयर जॉब्स दे गो वर्क प्रॉब्ली नॉट म्यूजिक कुछ और भी क्योंकि क्या लगता है ना सबको सिर्फ सबको म्यूजिक करना नहीं भाई कुछ कोई और no, भी कर सकता है right, yeah. कुछ और भी पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि दे वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट सो वट यू हैव टू टेल देम बिकॉज यू आर यंग देयर इन द सेम रट सो वट यू हैव टू टेल दम आम आई वुड सेफ यू रियली वॉन्ट यू विल हैव टू रियली वर्क फॉर इट मेहेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ऐसा नहीं है कि आप तीन चार दिन मेहनत करके आपको कुछ मिल गया तो आप पाँच दिन नहीं करोगे वो करना बहुत ज़रूरी है दूसरा मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर जनरली आपको लगता है कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ों में दिक्कत आ रही है जो कि जेनमली सबकी दिक्कत यही होती है वो हर ऊपर से कोई नहीं पता बट जनरमली फाइनेंशियल दिक्कत है तो साथ साथ में भी कर रहे हो अगर मुझे इतनी दिक्कत होती तो मैं जॉब करते हुए भी म्यूजिक छोड़ता नहीं पड़ा कभी hmm. वो तो भगवान की दुआ से मुझे कभी जॉब करनी नहीं पड़ी और hmm. तो ना ही करनी पड़े कभी बट hmm. जिसको करनी भी पड़ रही है आई वुड नॉट से कि छोड़ दो बिकॉज वो जॉब का टेंशन और वो सबसे जब आप एक घंटा बैठ के अपना कुछ दूसरा काम करोगे जो आपको पसंद है hmm. तो शायद अगला दिन जॉब का बेरेबल हो जाएगा ज्यादा सो नेवर स्टॉप डूइंग दैट वन डे यू यू विल रीच देयर व्हेन डोंट हैव टू डू व्हाट यू डोंट लाइक टू डू Prodigy 360 Always. is your artist management. Yes. Okay. It's by you guys only, or is it by Sirajul, my manager, hmm. Meera, Udhav, and there's another artist from Delhi called hmm. Fo. Ha, Fo, I have heard of. Yes. Haan. So she is there, Udhav is there, and I am there. Udhav is now known as Nanku. So to... next time when you meet, do <laughs> I want to get him on a podcast and yes, speak yes. to him? भाई उससे ना clear कर ले शास्त्री जी बोलना है ननकू बोलना है या फिर उद्भव मैं तुम्हें तो रीजन बताता हूँ क्या बिकॉज आई नो यू गाइज आर लाइक ब्रदर्स फ्रॉम अ डिफरेंट मदर है ना yes. वो तुम्हारी वाइफ मुझे समझ आती करण अर्जुन वाली <laughs> मेरी प्रॉब्लम मालूम है क्या एज ए यूजर मैं अगर यूट्यूब पे या कहीं पे गाने ढूंढता हूँ ना तो मैं उद्भव ढूंढूँ <laughs> <उद्बव दुणू? दुणू? laughs> ये वाला नाम ढूंढूँ या ये वाला इट्स ट्रू डू इट्स लाइक ओके इट्स अ गुड थिंग बट इट्स अ बैड थिंग बिकॉज की मुझे याद नहीं आता जैसे काफी ज्यादा मेरा बहुत ही आई लव दैट सॉन्ग ठीक है ना आई लव इट

<laughs> <laughs> तो शॉर्ट oh कर ले ओके एनीथिंग एल्स आई वन नो इज़ योर लाइव शोज़ आर डैम गुड राइट एंड यू हैव लाइक वेरी एक मोमेंट तो मेरे को भी याद है बहुत क्लियरली uh, तुम लोगों का ना बहुत ही सरप्राइजेस रहते हैं yes. तो मैं था शो चल रहा है उद्भव का और क्या कहते हैं तेरा करुण का एंड तुम लोगों का कोई गाना चल रहा था फिर एकदम से ना uh, ब्लू आइज़ ब्लू आइज़ का मेरे ख्याल से वो ना गिटार चालू है ट्रंग ट्रंग मैंने मतलब ब्लू आइज़ क्यों बजा रहा क्या हो गया क्या डीजे ने ज्यादा पी ली क्या होगा वो भाई साइड में देखा तो हनी पाजी वाज ऑन द स्टेज मतलब आर यू किडिंग मी मतलब ये क्लब है कॉन्सर्ट हॉल वीक ये कॉन्सर्ट है ना इट्स नॉट एन एरिना राइट मतलब मतलब हनी पाजी आ क्या कर रहे सो द सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर डू यू गाइस लाइक मैनेज ऑल दी सरप्राइजेस लाइक व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड वी लाइक टू डू दैट हमारा एक पेट चीज़ है जो हम करते हैं हर शो में पिछले डेढ़ दो साल से कर रहे हैं हम एक टाटू आर्टिस्ट बुलाते हैं हमारा एक दोस्त है अच्छा दानिश और हम लाइव टाटू करते हैं स्टेज पे वाइल समबड़ी इज़ परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस होते हुए भी धनजी के साथ किया है उद्भव के साथ यशराज वो परफॉर्मिंग इन बॉम्बे मी एंड यशराज वो परफॉर्मिंग धुंधला हाँ। साइड में उद्भव को टाटू हो रहा है दिल्ली में मैं और मेंफॉर्म कर रहे हैं जिन माही परफॉर्म कर रहा है धनजी को टाटू हो रहा है एक बार हमने लाइव ऑडियंस में से किसी को उठा के उसी टाइम टाटू बनवा दिया परमानेंट उसने बनवा भी लिया अब वो हर शो पे आगे मेरे को दिखाता है भैया ये देखो आई होप द स्पेलिंग वेलिंग सही थी नहीं एक वो था तो... <laughs> क्या आई थी एक आंख बनाई थी तो मतलब ऐसे छोटे मोटे डिजाइन है सो वी लव टू डू दैट और अगला थोड़ा टॉप उसको थोड़ा ऊपर करेंगे हम नाम लिखवाएंगे अब

धीरे धीरे इधर उधर शोज हो रहे हैं तो निकालो हमेशा से हाँ कभी मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना रोकने का मैं किसके लिए रोक रहा हूँ अब ऐसा हो गया कि नाउ एन आर्टिस्ट गेट्स फिर वो साल में दस गाने पंद्रह गाने वाली बात हो जाती है तो एक पॉइंट तक मुझे पता था वो आएगा एक दिन तब तक जितना कर सकता हूँ उतना कर दो ना तो अभी इस पॉइंट पे ऐसा है सौ डेढ़ सौ गाने निकाल के छोड़ दिए अब हर साल पंद्रह पंद्रह भी आए तो बहुत है अगले पाँच साल बाद डेढ़ सौ गाने होंगे एक सौ साठ होंगे फिर पाँच साल गैप लूंगा फिर एक एल्बम निकालूंगा तो मोर पॉजिटिव लेकिन विल क्लोज ऑन दिस वन नेक्स्ट आई विल ट्राइन गेट ननकू एंड मैंने तो पहले भी बताया था यार मैन आई वॉन्टेड डू यू गाइज इंडिविजुअली द इंटरव्यू बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि एज़ अ पर्सन हु लिसन टू योर म्यूजिक मुझे ना तुम लोगों का करुण के अंदर क्या है ननकू के अंदर क्या है उद्भव के अंदर क्या है शास्त्री जी के अंदर क्या है वो समझना था सो आई थिंक इट वॉज़ अ ग्रेट इंट्रैक्शन जस्ट कीप शाइनिंग ब्रदर लव वॉट यू आर डूइंग एंड आई होप की दैट सक्सेस वेरी मृग्या और माया है लेकिन आई वट एवर इट इज जस्ट कीप कमिंग योर वे थैंक यू सो मच